आगे बढ़ते हैं एक बड़ी खबर। देश के बड़े पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खिलाड़ियों ने जंतर मंतर पर अपना धरना जारी रखा है। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों के यौन शोषण के बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आज पहलवान 1.5 घंटे के मौन व्रत पर हैं और वहीं इस मामले में खेल मंत्रालय ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह को नोटिस जारी कर दिया है और 72 घंटे के भीतर ब्रजभूषण शरण सिंह से जवाब मांगा है खेल मंत्रालय ने। ये देखिए आप जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं कुश्ती के जंतर मंतर पर उनका धरना जारी। उनकी मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया जाए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से और आरोप बहुत गंभीर, आरोप बहुत संगीन। यहां तक कि इनकी धरने के बाद खेल मंत्रालय ने नोटिस जारी कर दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह को, जो कि बीजेपी एमपी भी हैं, और 72 घंटे के भीतर उनसे जवाब मांगा गया इन तमाम आरोपों पर। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। प्रदर्शन इस बीच में जंतर मंतर पर इन कुश्ती खिलाड़ियों का जारी, जिसमें विनेश फोगाट एक बड़ा चेहरा आप देख सकते हैं, यौन शोषण का आरोप लगा रही और बहुत गंभीर आरोप। इसी बीच में एक बड़ी अपडेट, यौन उत्पीड़न के आरोपों पर ब्रजभूषण शरण सिंह की सफाई आई है। कह रहे हैं एक सप्ताह तक मैं इनके लिए अच्छा था, हमारे कामकाज की तारीफ होती थी। ओलंपिक के बाद इन खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के नाम पर इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए तबीयत ठीक हो जाती है और सभी सरकारी योजनाओं का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। ये सफाई है ब्रजभूषण शरण सिंह की। सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी सफाई में कहते हैं कि ये खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेना चाहते हैं, जब राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। एक सप्ताह तक हम इनके लिए अच्छे थे, अभी एक सप्ताह पहले ही यहां पर आए थे और हमारे कामकाज की तारीफ करते थे, लेकिन ओलंपिक के बाद इन्होंने एक भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ये जितने वहां पर बैठे थे सबने भाग नहीं लिया और सब गवर्नमेंट के टॉप स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आती है, राष्ट्रीय ट्रायल की बात आती है, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, और जब इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट होता है इनकी तबीयत ठीक हो जाती है। ये जवाब था ब्रजभूषण शरण सिंह का जो अभी अभी आपने देखा। वो ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते पहले तक मैं इनके लिए अच्छा था। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।